वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स स्टोरी टाइम और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक मंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। फिर आज हम एक काऊ की स्टोरी सुनेंगे? नो। आई थिंक आज हम एक डायनासोर की स्टोरी सुनेंगे? नो। आज तो हम सुनेंगे एक बेयर की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले let's all sing the story song. It's story time. Time to have some fun. It's story time. Let's all have some fun. Yay! Let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है Brave Dave और इसे लिखा है Giles Andre ने और इसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ किया है Guy Parker Reese ने। अरे वाह, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी जंगल में आ गए। और ये कौन है? ये तो है एक बेयर। हेलो मिस्टर बेयर, हाउ डू यू डू? ये जो है बड़े वाले भालू जी, इनका नाम है क्लेरेंस। ये है कुछ ज्यादा ही माइटी और स्ट्रॉन्ग और लगते हैं हैंडसम और है कुछ ज्यादा ही टॉल। ये भालू जी तो है कुछ ज्यादा ही ब्रेव और जो कुछ होना चाहिए एक भालू में वो सब है इनके पास। लेकिन ये कौन है? ये तो है डेव। हेलो डेव, कैसे हो? डेव जी तो है छोटे भैया और अपने बड़े भैया से है कुछ ज्यादा ही छोटे। लेकिन जब भी वो देखते हैं क्लेरेंस भैया को तो कहते हैं, अरे भाई काश हम भी इनके जैसे होते। जब भी बड़े भैया कुछ अच्छा काम करते तो छोटे भैया डेव कहते, अरे मुझे भी करना है बिल्कुल कुछ ऐसा। बड़े भैया कहते, अरे छोटे भैया डेव सुनो, जरा ऐसे करो डेव, जरा वैसे करो डेव, और अगर तुमने सारे काम मेरी तरह किए तो मेरी ही तरह तुम भी बन जाओगे एक दिन कुछ ज्यादा ही ब्रेव। फिर चलकर देखें बड़े भैया क्लेरेंस और छोटे भैया डेव ने क्या क्या किया इस जंगल में। लेट्स गो एंड सी। थोड़ा सा मैं अलग सा हूँ, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं फरक सा हूँ, हाँ हाँ, पर जैसा भी हूँ वैसा ही मैं हैप्पी हूँ, हाँ भैया जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं हैप्पी हूँ। छोटे भैया डेव ने पूरी कोशिश की कि वो हर काम को सही तरह करे जैसे बड़े भैया करते हैं, लेकिन एक दिन रात को वो बैठकर रोने लगे। मैं कभी भी कोई काम नहीं कर पाऊंगा जैसे बड़े भैया क्लेरेंस किया करते हैं, पर आसमान में देखकर और जोर की रोने लगे। एक दिन छोटे भैया डेव चल रहे थे जंगल में कुछ ज्यादा ही अकेले और उदास। लेकिन इतनी ही देर में उनकी नजर पड़ी मुलायम सी घास पे और सुंदर सुंदर पेड़ पे। घर जाते जाते उनकी नजर पड़ी कुछ अजीब सी चीज पर जो हवा में उड़ रही थी और उसको देखते ही कहने लगे, वाह ये क्या अतरंगी सी चीज है भाई। उस अतरंगी सी चीज को छोटे भैया डेव ने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे पकड़ते ही उनका दिल तो हवा में उड़ने लगा। कितने खूबसूरत और कितने चमकीले रंग थे इस पर। इन रंगों को देखकर डेव को लगा जैसे कि वो तारों को देख रहा हो जिनको रात को देखने में उसे खूब मजा आया करता था। अगले दिन तो डेव भैया निकल पड़े जंगल में फूल इकट्ठा करने के लिए। खूब सारे अलग अलग रंगों के फूल, कुछ फूल थे पीले और कुछ फूल थे लाल, कुछ थे गुलाबी, कुछ बैंगनी और कुछ नीले। बड़े भैया क्लेरेंस से छिप कर किया करते थे छोटे भैया ये काम और कहते थे, अगर मुझे किसी ने देख लिया हो तो वो क्या कहेगा मुझे, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, राम 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 राम। एक दिन रात को चिपमंक जी ने देख लिया डेव भैया के घर में और कहने लगे, कुछ तो छुपा रहे हैं ये हमसे, पता नहीं लेकिन क्या है वो चीज। चिपमंक जी कहने लगे, लग तो ऐसे रहा है डेव भैया जी है कुछ ज्यादा ही बिजी, लेकिन क्या कर रहे हैं सोचना पड़ेगा। अरे रुको, यहीं पर रुक कर देखते हैं, थोड़ा सा होकर इजी। एक दिन
डेव भैया से तो बस रहा ही नहीं गया और उन्हें लगा कि मेरा दिल बिल्कुल फट जाएगा अगर मैंने अपने जंगल वासियों को नहीं बताया कि मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ। तब एक दिन उन्होंने सारे एनिमल्स को अपने घर में बुलाया और कांपती हुई आवाज में उन्हें घर में लाकर बिठाया। देव भैया ने जानवरों को बिठा कर ये कहा कि देखो भाई, मैं दूसरे जानवरों जैसा बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं, मैं टफ भी नहीं और ब्रेव तो मैं बिल्कुल भी नहीं, पर आखिर में मिल गई है मुझको एक खुशी जो मुझे फील कराती है बिल्कुल ही ट्रू, और वो खुशी है इस गिफ्ट के अंदर। क्लेरेंस भैया, ये मैंने बनाई है आपके लिए, सच्ची इट्स फॉर यू। फिर चलकर देखें कि डेव भैया ने क्या बनाया बड़े भैया क्लेरेंस के लिए। लेट्स गो एंड सी। थोड़ा सा मैं अलग सा हूँ, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं फर्क सा हूँ, हाँ हाँ, पर जैसा भी हूँ वैसा ही मैं हैप्पी हूँ, हाँ भैया जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं हैप्पी हूँ। अरे वाह, इस गिफ्ट में से क्या निकला? एक खूबसूरत सा जैकेट जिसमें थे खूब सारे रंग, पहाड़ों के, आसमानों के, नदियों के, घाटियों के और खूब सारे पक्षियों के रंग। इतनी खूबसूरत सी जैकेट को देखकर सारे के सारे जानवर देखने लगे आंखें बड़ी करके अरे भाई क्लेरेंस भैया की तरफ, और वेट करने लगे कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे आखिर हमारे भैया। क्लेरेंस भैया ने कहा, डेव ये तुमने बनाया, वो भी मेरे लिए? तब डेव भैया कहने लगे, हाँ क्लेरेंस भैया, ये देखो ना, इन चीजों से बनाई है मैंने आपकी जैकेट, फूलों के रंगों से, घास के रेशे से और पेड़ों के पत्तों से मिलाकर बनाई है मैंने आपकी ये जैकेट। तब क्लेरेंस भैया कहने लगे, अरे वाह, इतनी खूबसूरत चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, और किस तरह आपने दिल से सच्चाई से हम सबको बता दिया कि आप क्या करना चाहते हैं। अरे भाई, इससे ज्यादा ब्रेव है कोई और चीज नहीं। नहीं नहीं देव भैया, आप हैं थोड़े से अलग, तो क्या हुआ, खुलकर जाकर सबसे कहो और वही करो जो दिल चाहता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझसे ज्यादा प्राउड और कोई नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। जब डेव भैया ने बड़े भैया की ये बात सुनी तो उन्होंने ली चैन की सांस और कहने लगे, अरे वाह, सबको ये बात पसंद आई, तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर दिखाने के लिए कुछ खास। जैसे ही सारे एनिमल्स डेव के घर के अंदर आए तो उन्होंने कहा, अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े अलग अलग रंगों के, अलग अलग ढंगों के, ये तो लगता है जैसे कोई जादू हो। नीले, नारंगी, गुलाबी और हरे, सर्कल्स, स्ट्राइप्स और स्टार्स से भरे, ये तो एक एक जानवर ने उठा लिए अपने फेवरेट कपड़े और परेड करने लगे गोल 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 गोल, पूरी रात अपने कपड़ों को पकड़े। तो बच्चों, अगर कभी आपका जंगल में जाना हुआ और वहां पे अगर आपने किसी भालू जी को सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए देख लिया तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना, बस ये समझ लेना कि डेव भैया ने बनाए हैं इनके कपड़े। हाँ, क्योंकि ये कपड़े पहनकर सारे के सारे जंगल के जानवर, स्पेशली डेव भैया और क्लेरेंस भैया, हैं कुछ ज्यादा ही खुश, कुछ ज्यादा ही हैप्पी। थोड़ा सा मैं अलग सा हूँ, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं फर्क सा हूँ, हाँ हाँ, पर जैसा भी हूँ वैसा ही मैं हैप्पी हूँ, हाँ भैया जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं हैप्पी हूँ। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए, ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।